कंटेस्टेंट है वो यहाँ पे फाइल करने जा चुके हैं नॉमिनेशन। ये देखिए कि यहाँ पे पूरा जन सैलाब है, बात करेंगे क्या लगता है आपको, आप लोग एक्साइटेड है, जीत जाएंगे बीजापुर, सब सबका खाता है, हिंदू भाई मुसलमान कांग्रेस के अभी इस बार किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आना चाहिए था, और कई मुद्दे हैं बड़े बड़े जो बीजापुर डेवलपमेंट कहा जा रहा है कि जो जेडीएस से निकले हैं बीजेपी में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं, कभी डर नहीं लगेगा, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसको कोई डर नहीं है, ये पार्टी हम जीत पाएंगे इस पार्टी से। अच्छा, हमारा जो उम्मीदवार है हमीद मिश्र, हाँ बोलिए बोलिए, काफी काम किए हैं जो एमएलए ना रहने की वजह भी बहुत काम किए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बहुत काम करेंगे क्या मैडम, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू और मुस्लिम होने वाला है, जहाँ एक तरफ मुस्लिम कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस आपको क्या हिंदुओं का समर्थन है, पूरा जरूर मिलेगा हिंदू भाई का समर्थन मिलेगा, पुराना कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया, काम किया तो पुराने कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया, धन्यवाद कुछ जो भी काम आए वो आपको लग रहा है कि अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको टिकट वापस पीपल थे क्या मैं अच्छा थे वो मेरे मम्मी भाई के साथ में था, साथ देने के लिए था और वो भी जिनसे कुछ साथ देने के लिए एमएलए साहब पहले के तो है कहा जा रहा है कि आपके इसमें भी कुरेशी है अलग अलग है वो आपके साथ शायद से नहीं हो सकते हैं, क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे? सब एक है, सब एक है, बीजेपी की रैली में जब पिछली बार हुआ था कि सैफरन फेंक दिया गया था एक मुस्लिम महिला के उसके ऊपर, मुझे बताइए उस पर आप लोग की क्या राय है? सब हम एक साथ होकर हिंदू भाई मुसलमान भाई होकर अपने भाई को जिताने की कोशिश करेंगे, सबका साथ आया हमारा। क्या दो काम करेंगे आप आएंगे तो, क्या दो काम करेंगे? क्या गरीबों को जो भी है रोजगार में उनको रोजगार दिलाएंगे, जो भी काम है यहाँ पे काम दिलाएंगे हर चीज पे। अच्छा, एक चीज मान लीजिए अब्दुल भाई मान लीजिए अच्छे पर पुराने विफल थे, पुराने ने काम नहीं किया था कांग्रेस वाले, उनको टिकट क्यों नहीं मिला? क्यों नया काम होना है, टिकट आंसर नहीं कर रहे। राहुल आई विल आस्क यू टू टेक ओवर द ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे मुस्लिम लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है वो ज्यादातर मुस्लिम लोगों का है, यहाँ पे पूरा पूरा मुस्लिम जनता है और हिंदू लोगों का भी यहाँ पे समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे अभी प्रदीप जी ने पूछा कि पिछली बार के कैंडिडेट को वोट टिकट क्यों नहीं दिया गया, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ क्या इस बार बीजापुर सिटी के तरक्की के लिए वोट दी जाएगी या मुस्लिम हिंदू किया जाएगा? नहीं नहीं, बीजापुर के तरक्की के लिए वोट दिया जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आने के बाद हमें ये पता चला है कि कांग्रेस के जो पुराने कैंडिडेट थे पुराने एमएलए थे उनको हटा के आप लोगों ने डिमांड किया कि कांग्रेस से कि हमें एक दोबारा कैंडिडेट चाहिए वो मुस्लिम ही होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, जो भी पुराने साथी हैं वो सब गाड़ी में बैठे हैं, उधर गाड़ी में हैं पूरे भी जितने भी साथी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता सब है गाड़ी में। आपसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आप मुझे मार सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लगातार तीन बार से मुस्लिम कैंडिडेट ही क्यों यहाँ पे बीजापुर सिटी में? माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है।